बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने टूल्स पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है तो उनके लिए मैं लेके आऊं सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर। अब आपको पता होगा कुछ यूनिवर्सिटी जैसे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी है तो उसमें पूछे जा रहे हैं 40 क्वेश्चन एमसीक्यू और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन करने होंगे वो पूछे जा रहे हैं आपके रिटन एग्जाम के लिए, मतलब कि समझ सकते हैं ना। तो मैं आपको जो बताने वाला हूं फिजिक्स में आपको रिटन में क्या क्या पढ़ना है और आपके लिए एमसीक्यू कहां से पढ़ना है। एमसीक्यू पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे नोट्स को आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। नोट्स की मैंने पीडीएफ को पूरा आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.paperhacker.in paperhacker.in जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा है। paperhacker.in का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का, उस पर टच कर लेना है और आपको वहां मिलेगा बीएससी सेकंड सेमेस्टर। इस तरीके से एक पॉइंट लगा होगा उस पर टच करेंगे, एक बटन होगा उस पर टच करने के बाद में उसमें आपको सारी वीडियोस और उनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अलग अलग नोट्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, अलग अलग पैसे बाई मतलब देने की जरूरत नहीं होगी। आप एक बार में ही रिटन एग्जाम और एमसीक्यू दोनों एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। हमने इस तरीके से नोट्स हमारे प्रोवाइड कराए गए हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो छात्र न्यू एडमिशन हुआ है उनको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे और जो क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आए थे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को सभी को बताना है। मैं पास की गारंटी मैं खुद देता हूं आपको, चिंता मत करो, जो बताऊं वही पढ़ के चले जाओ। अब मैं आपको बहुत क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको पढ़ना है एग्जाम में, अभी पढ़ना है एग्जाम जो भी होने वाला है उसका पढ़ना है। सबसे बात करने वाला है ये देखियो, यहाँ है ऊष्मीय गतिकी की शून्य नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये नियम थे। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो शून्य नियम होता है, प्रथम नियम और तृतीय नियम, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। आप तीनों नियम को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इन क्वेश्चनों को याद करना। ठीक है, और आपसे पूछ लेता है, देखिए ये क्वेश्चन और पूछता है कि सीपी और सीबीआई के बीच में संबंध। मैं केवल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन बना रहा हूं जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, जो आज कल में आपका पेपर होने वाला है। यहां देखिए मैक्सवेल की समीकरण में संबंध आपको बताना है और कार्नोन चक्र, बाकी जो छोड़ रहा हूं उसको आपको छोड़ देना है और जो जो क्वेश्चन पे टिक लगा रहा हूं वही क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, ये है जूल थॉमसन का इफेक्ट। ठीक है, जूल थॉमसन इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मोस्ट की संज्ञा दी जाती है, इसको मोस्ट पढ़ लेना है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। बेगो के वितरण मैक्सवेल जो है मैक्सवेल की समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट पे पढ़ लेना है, मतलब कि इसको रट के जाना है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको रट के जाना है। विकर्ण सिद्धांत आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़ के जाना है। ठीक है, प्लैंक का नियम आप पढ़ के जाना है। ठीक है ना, स्टीफन वोल्टेज में वोल्ट ज़िमेन का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पेपर में छपेगा आपका, देख लेना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को रट के जाना है, रट के जाने का मतलब है इनको बढ़ के ही जाना है। बाकी कुछ ये देखिए, ये देख रहे हैं ना नॉर्टन की प्रमेय, ठीक है, नॉर्टन की प्रमेय और ये थेविन की प्रमेय, ये दोनों प्रमेय आपको अच्छी तरीके से देख के जानी है। जूल का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट की संज्ञा जाती है, आप इसको पढ़ के जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ के आए, बड़े आराम से सब कुछ याद होगा, कुछ ज्यादा आपको फोकस यहाँ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हैं ये है रुद्धोष्म प्रक्रम, यह है रुद्धोष्म प्रसार, मोस्ट इंपोर्टेंट जूल प्रसार और जूल थॉमसन प्रसार मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके देखने को पेपर में। और कार्बन चक्र ऊपर बता चुका हूं, स्टीफन नियम द्वारा सूर्य का ताप कैसे ज्ञात किया जाता है, स्टीफन के नियम के द्वारा सूर्य का तापमान कैसे निकालेंगे, मैक्सवेल का वेग वितरण नियम मैं पहले बता चुका हूं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा। बाकी मैं छुड़वा रहा हूं जो क्वेश्चन, उसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दिया। आदर्श देखो, ये देखिए अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है, शुद्ध और बाह्य अर्धचालक, दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं, दोनों प्रकार के याद कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे, देखो ये है सेतु दृष्टिगारी क्या होती है, सेतु दृष्टिगारी और दृष्टिकरण किसे कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ट्रांजिस्टर वायरिंग वाइसिंग जो विधि होती है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, ये कैसा होता है, और उसके बाद में आपको पढ़ेंगे देखो आरसी एगमन को छोड़ देना, लॉर्ड रेखा इसको भी छोड़ देना है, मल्टीमीटर तो आप जानते होंगे मल्टीमीटर क्या होता है, बड़े आराम से आप कर देंगे इसको मल्टीमीटर को, और एलईडी, इसके बाद में एलईडी को याद कर लेना है, एलईडी क्या होती है ये पढ़ेंगे, फिल्टर परिपथ को देख लेना है, ऊर्जा बॉन्ड संरचना को पढ़ लेना है, निज और अर्ध बाहचालक अर्धचालक जो होते हैं, निज मतलब निज और बाह अर्धचालकों में दो प्रकार के चालक होते हैं, दोनों चालक को देख लेना, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध को ही निज और बाह अर्धचालक बोला जाता है, ये दो टाइप दे रखे हैं बस, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ये है आपका एनपी संधि डायोड समीकरण क्या होती है, आप इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में किरचॉफ परिपथ को पढ़ेंगे, किरचॉफ विद्युत परिपथ का नियम ये जो है, और फर्मी ऊर्जा, बस बाकी कुछ सबको छोड़ दो काम हो जाएगा।
हो सके तो इसको मत छोड़ो, इसको छोड़ दो, हटाओ, खत्म, बस इतना ही पढ़ लो, काम हो जाएगा। बाकी एमसीक्यू जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसे हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं, इसको आपको यदि पढ़ना है तो हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ को पढ़कर वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वेबसाइट का, वेबसाइट पे जाओगे हमारी वेबसाइट पे, वहां बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एक बटन मिलेगा, उस पर टच करने के बाद में, नीचे जाने के बाद में, जो भी आपको डाउनलोड करना है वहां से नोट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हमें कॉल कर लीजिए, ठीक है। और वहां भी आपको यदि हमारा व्हाट्सएप नंबर, जैसे हमारी एक वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नहीं मिल रहा है तो आप हम व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वहां आपको एक हमारी ईमेल जो भी है, हमारी एक वेबसाइट है, उनका सबका लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।